Hello and welcome friends. How can we make a drop down in MS Access? In this video I am gonna tell you about drop down. So let's start this video. आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉप डाउन के बारे में बताने वाला हूँ कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारे पास डेटा शीट व्यू में एक टेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर हैं, उन स्टूडेंट्स के नाम हैं और उसके अलावा कोर्स का नेम है, कौन कौन से कोर्स वो पढ़ते हैं उनका नेम है। तो हम कोर्स के लिए ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म में आकर ड्रॉप डाउन बनाएंगे, तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ फॉर्म पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक व्यू में हम आ चुके हैं, फॉर्म व्यू में। यहाँ पर चाहे तो आप बैकग्राउंड का कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं यहाँ से जा करके, और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ये कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको आप बोल्ड करना सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ ये बी पे क्लिक कर दीजिए तो ये बोल्ड बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले डिज़ाइन व्यू पे जाना है। तो यहाँ व्यू टैब पे जाइए, नीचे आपको डिज़ाइन व्यू मिल जाएगा, यहाँ पे हमको आना है, यहाँ पे हमको अपना काम करना है। तो चलिए आइए करते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर हम वो बनाएंगे कॉम्बो बॉक्स। आपको यहाँ पर देखिए जब आप डिज़ाइन व्यू में आएंगे तभी ये कॉम्बो बॉक्स एक्टिव होगा, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये सब बटन और ये सब चीज़ें जो दिख रही हैं टूल्स, ये तभी एक्टिव होंगे जब आप डिज़ाइन व्यू में आइएगा। तो आप डिज़ाइन व्यू में आ जाइए, इट इज़ कंपलसरी, ये कंपलसरी है कि आप डिज़ाइन व्यू में रहें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, डिज़ाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पर एक आपको ये दिखेगा, ये कॉम्बो बॉक्स दिखेगा, ये कॉम्बो बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला कॉम्बो बॉक्स है। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर अब हमें वो कॉम्बो बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे आप माउस को ड्रैग करवाइए और ड्रैग करवाएंगे तो वो कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए वो कॉम्बो बॉक्स बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक किया हमने, और अगर यहाँ पे और भी टेबल्स हो सकती हैं, मेरे पास मैंने एक ही टेबल बनाई है तो यहाँ एक ही टेबल दिख रहा है। आप क्वेरीज भी ले सकते हैं, टेबल और क्वेरीज बोथ, यानी दोनों को भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ टेबल्स को ले रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, आपको किसका ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मुझे कोर्स नेम का बनाना है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट नेम को मैंने ले लिया और कोर्स नेम को ले लिया, ये दो का ड्रॉप डाउन हम बनाना चाहते हैं। हम चाहे तो रोल नंबर को भी ले सकते हैं लेकिन रोल नंबर को अभी मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है। आप किसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, किसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, पहले किसको रखना चाहते हैं। पहले हम स्टूडेंट नेम का बनाना है तो स्टूडेंट नेम यहाँ डाल देते हैं हम, चूंकि ड्रॉप डाउन इसी का बना रहे हैं हम, तो पहले स्टूडेंट नेम रखेंगे फिर हम कोर्स नेम रखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये ड्रॉप डाउन आ चुका है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे चाहे तो आप कोई दूसरा नेम भी दे सकते हैं, मैंने स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन ये दे दिया हमने, एंटर प्रेस करूँगा तो ये ड्रॉप डाउन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमको इसको सेटिंग करना है, तो इसको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं हम, यहाँ से इसको छोटा करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और थोड़ा सा इधर भी कर लेंगे, ये यहाँ से छोटा करना होगा, इसको छोटा कर लेने के बाद इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, यहाँ से विड्थ बढ़ा लेते हैं इसकी, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है ड्रॉप डाउन। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली क्लिक करना है फॉर्म व्यू पे। तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्म व्यू पे आ चुके हैं, यहाँ से हम ड्रॉप डाउन देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुमुद ने जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कुमुद डेल्फी प्रोग्रामिंग पढ़ रही है, मैं आपको डेटा शीट व्यू में आके दिखाता हूँ, ये कुमुद है, ये डेल्फी प्रोग्रामिंग पढ़ रही है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुकी है। देखिए राम डीसीए पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि हमारा जो ड्रॉप डाउन क्रिएट हुआ है वो सही से क्रिएट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यह ड्रॉप डाउन है, तो जैसे ही ड्रॉप डाउन पर आएंगे हम नीचे, तो देखिए राम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए राम डीसीए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ दे सकते हैं हम रोल नंबर 1, जिनका भी है वो अपने आप ले लेगा, वो कहने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है।
ये क्या पढ़ रहे हैं, डीसीए पढ़ रहे हैं। तो यहां से जैसे ही क्लिक करेंगे आप ड्रॉप डाउन पे, तो ये आपको दिख जाएगा कि राम क्या पढ़ रहे हैं, डीसीए पढ़ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, यहां से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाइए आप। राम के बाद जो सेकंड रिकॉर्ड है वो किसका है, सेकंड रोल नंबर किसका है, सचिन का है, ठीक है। और यहां राम दिख रहा है आपको, तो अभी क्या होगा, ये यहां से हम इसको यहां से चेंज कर लेंगे, जो सेकंड है वो किसका है, सचिन का है, तो यहां से सचिन, सचिन क्या कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, तो ये कर दिया हमने। अब थर्ड रिकॉर्ड पे जाना है हमें, यहां से थर्ड रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, थर्ड रिकॉर्ड युवराज का है, तो यहां से युवराज सेलेक्ट कीजिए आप, सेलेक्ट हमने कर लिया, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ रिकॉर्ड किसका है, तो हम ये इस तरह से करके ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, तबस्सुम या तबस्सुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रही हो, ठीक है, यहां से आप चूज कर लीजिए, ओके। इस तरह से करके हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं एम एस एक्सेस में। उम्मीद है ये ड्रॉप डाउन वाली वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि फ्री में यह जानकारी सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।